उदय रत्न सागर जी महाराजा आदि समस्त मुनि वृंदों की निश्रा के अंदर सर्वोदय गुरु दरबार के लाभार्थी अखंड सौभाग्यवंते प्रभा बेन भोगीलाल भाई रामिया परिवार तलवाने वाले रामानिया वाले के द्वारा अब इस सर्वोदय गुरु दरबार हॉल का यहाँ विधिवत रूप से गुरु भगवान की निश्रा में उद्घाटन होने जा रहा है। जिस तरह से सब बुलाने में आवे मंत्राक्षर, पहले सभी साथ में बोलना ओम नमो जीनाना जीनानम शरणानम शरणानम मंगलानम मंगलानम लघुत्तमानम लघुत्तमानम राम रीम राम रीम रोम रई रोम रई रोम रह रोम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनाणाम ओम नमो जीनाणाम शरणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम मंगलाणाम लघुत्तमानम लघुत्तमानम राम रीम रोम रई रोम रई रोम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनाणाम ओम नमो जीनाणाम शरणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम मंगलाणाम लघुत्तमानम लघुत्तमानम राम रीम रोम रईम रोम रईम रोम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अने समाजना श्रेष्ठी वर्यो भोगीलाल भाई बिपिन भाई नवनीत वाड़ा पीयूष भाई लखमसी सावला परिवार आदि गणमान्य श्रावकों ने निश्रामा श्री दक्षिण मुंबई अचलगेट जैन संघ श्री राजस्थान अचलगेट जैन संघ मुंबई ना आ आगामी चतुर्मास नी अंदर खूब जिनवाणी ना ज्या श्रवण थशे ज्या आराधना थशे आयोजनो थशे अनुष्ठानो थशे एवा मंगलमय आ सर्वोदय गुरु दरबार नो हवे प्रभाबेन भोगीलाल भाई रामिया परिवार आप सकल श्री संघ त्रण नौकार गणजो अने उद्घाटन करजो अने गुरुदेवना वधामणा करजो। चलो सर्वे त्रण नौकार अत्यारे गुरु सर्वोदय दरबार नु उद्घाटन थई रह्यू छे। बोलो बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। हे आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो आजे आंगन गुलाल रंग छाट्यो छाट्यो आजे आंगन गुलाल रंग छाट्यो छाट्यो आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। આજે પ્રથમ દિવસે ગુરુ સર્વોદય દરબારનું આપણે ઉદ્ઘાટન કર્યું। આ સર્વોદય દરબારના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપણે ચારે ચાર મહિના અહીંયા પૂજ્ય શ્રી પોતપોતાને પોતાના પ્રવચન માળા દ્વારા દરેકના જીવન પરિવર્તન કરશે તો દરેકને ભક્તિમય આજે આ શુભ શરૂઆત આપણે એક સરસ મજાની ભક્તિ દ્વારા કરીએ દરેકના હાથ ઉપર કરી અને દરેકના તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આજે આ પરિવારને આપણે વધામણા આપીએ જે ગુરુ સર્વોદય પ્રવચન મંડપના લાભાર્થી છે એમને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ વધામણા આપીએ અને બધા જ ભક્તિ સાથે તાળી સાથે આપણે આજના પ્રથમ દિવસની શુભ શરૂઆત કરશું। પુણ્યશાલી આજે ગુરુદેવ આપણે આંગણે પધાર્યા છે એટલે આપણે શું કહેશું આંગણિયું સજાવ્યું છે હો અંતરપટ શણગાર્યું છે આંગણિયું સજાવ્યું છે અંતરપટ શણગાર્યું છે મારે ઘેર પધાર્યા મારા ગુરુદેવ
મારા ગુરુજી મારે ઘે મારે થઈ ગઈ લીલા. સૌ યહાં પે હોશિયાર. ઓ કૃષ્ણ મહારાજા ને વંદન કિયે થે 18,000 બાર વંદન કરું મેં અભૂતિયો કે પાઠ સે ઈચ્છા કરેણ સંદેશ ભગવાન અભૂતિયો મેં અભિંતર રાયમ ખામેયમ ઈચ્છમ ખામેમી રાયમ ચંકિંચી અર્પત્યમ પર્પત્યમ ભતે પાણે વિનય વૈયા વચ્ચે આલાવે સલાવે ઉચાસણે સમાસણે અંતર ભાષાએ ઉભરી ભાષાએ ચંકિંચી મજા વિનય પરિણમ શુભમ વા વૈરમ વા તુભે જાણહ અહમ ન જાણામિ તસ્મ છામિ દુકડમ છામિ ખમાસ પણ વંદિમ જાવણી જાય નિશ્ચય મિથેણ વંદામિ. परम पूज्य गणी वाले श्री उदय रत्न सागर जी महाराज को गुरु वंदन पुण्यशाली इच्छा मी खमास मणो वंदियम जावणी जाय निसी ही एम थेण वंदा मी इच्छा मी खमास मणो वंदियम जावणी जाय निसी एम थेण वंदा मी इचकार सोरा इसो देसी सुख तप शरीर बाद सुख संयम यात्रा निर्वो होचो जी. स्वामी साता छे जी. जोर से एक बार स्वामी साता छे जी. भात पानी नो लाभ देसो जी. इच्छा मी खमास मणो वंदियम जावणी जाय निसी ही एम थेण वंदा मी ઈચ્છકાયણ સંદેશ ભવન અભિઠો મેં અભિંતર રાયમ ખામ્યમ ઈચ્છમ ખામે મે રાયમ હાટાઓ જનકિંચી અર્પતે પરપતે ભત્તે પાણે વિણે વ્યા વચ્ચે આલાવે સલાવે ઉચ્ચાસણે સમાસણે અંતર ભાષે ઉભરી ભાષા જંગીજી મજ્જ વિણ પરિણમ સુહમ બૈરમ તુભે જાણ અહમ ન જણામી તસ્મ ઈચ્છામ દુકડમ ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદિયુમ જામણી જય નિસ્ય મથેણ વંદામિ. વાયણા ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદિયુમ જામણી જય નિસ્ય મથેણ વંદામિ. ઈચ્છા કારણે સંદેશ ભગવાન વાયણા સંદેશાઓ ઈચ્છમ ઇચ્છામિ ખમાસમણો વંદિયુમ જાવણી જાય નિસ્સી મત એણ વંદામિ. ઈચ્છા કારણે સંદેશ ભગવાન વાયણા લેસુ. ઈચ્છમ ઇચ્છામિ ખમાસમણો વંદિયુમ જાવણી જાય નિસ્સી મત એણ વંદામિ. ઈચ્છા કારણે સંદેશ ભગવાન વાયણા પ્રસાદ કરાવશો જી. હાથ જોડીને આંખો બંધ કરીને કમ્પ્લીટ સાયલેન્સ. બધા જ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો. સભી આપની જગ્યા પર સ્થાન બિરાજમાન કરે. અત્યારે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત તથા ઘણી વાર પૂજ્ય સાહેબ આપણી સમક્ષ પધારી ચૂક્યા છે અને આજે ગુરુભક્તિ દ્વારા ગુરુભક્તિના ગીતો દ્વારા આપણે મંગલાચરણ કરી અને આજના કાર્યક્રમની આપણે શુભ શરૂઆત કરીએ. યશભાઈ આપણી સાથે અહીં સંગીતની મય રસમયમાં જોડાય છે તો દરેકને ભક્તિ રસમાં જોડાવા માટે ખાસ નમ્ર વિનંતી. સૌ પ્રથમ મંગલાચરણ સ્વરૂપે ગુરુભક્તિ ગીત, ત્યારબાદ આપણે આગળનો કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરીશું. आइए पुण्यशाली, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज इस हॉल में पहला कार्यक्रम है, अभी उद्घाटन हुआ है और पूरा चातुर्मास बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी को मिलकर यहां पर मनाना है. पुण्यशाली आइए परमात्मा की जयकार के साथ गुरु भक्ति गीत. पूज्य श्री हमारे बीच में पधारे हैं,
गुरुजी अमारो अंतरनाथ अमने आपो आशीर्वाद गुरुजी अमारो अंतरनाथ अमने आपो आशीर्वाद गुरुजी अमारा छे अणगार जिन शासन ना छे सरताज गुरुजी अमारो अंतरनाथ अमने आपो आशीर्वाद सभी अपनी जगह पर विराजमान हो जाए पुण्यशाली आइए 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 गुरु भक्ति गीत गुरुदेव की भक्ति और समय की मर्यादा है इसलिए 3-4 मिनट में पूरा करूंगा घेलू लाग्यू मुझने हूँ क्या रे तुझने भेटू तारा पावन खोले मीठी निंदर माले तू शमणा माँ रोज हूँ निरख्या करूँ तने गुरुदेव इतनी दूर से यहाँ पर पधारे आपके चातुर्मास की विनंती को स्वीकार करके पूरे हिंदुस्तान भर से विनंती थी लेकिन आपके चातुर्मास यानी कि दक्षिण मुंबई अचल गज जैन संघ और श्री राजस्थान अचल गज जैन संघ की विनंती को स्वीकार करके गुरुदेव यहाँ पर आए तो हर एक के मन में क्या भाव थे वो लगनी लागी नदी आओ तब मारा जीवन में पण आवे अने आप सबने अहीं बैठा खूब शुभेच्छा अने आजे जे रीते बैठा छो ने 4 महीना सुधी आवो भरेलो राखजो અમારા મુનિરાજ ને એકલા નહીં મૂકી દેતા અને 4 મહિના આવું ભરેલું રાખજો પછી મુનિરાજ જુઓ 4 મહિના પછી એ કેવું ભરેલું રાખે છે 4 મહિના પછી એ કેવું ભરેલું રાખે છે એ તમે જોઈ લેજો એ ફક્ત 4 મહિના તમે સમય કાઢજો અને આ રીતે યુવાન હોય ગમે તે હોય દેખીએ ગુરુદેવ ને મુજે યહાં પર देखिए गुरुदेव ने मुझे यहाँ पर सिर्फ गुरु भक्ति करने नहीं गुरु भक्ति करवाने के लिए बुलाया है तो जितने यहाँ पर पुण्यशाली गुरु से प्रेम करते हैं दोनों हाथ खड़े कर एक लाइन सभी उगानी है मठा लगे मठा लगे मठा लगे रे मठा लगे उदय रत्न सागर जी मुके मठा लगे रे मठा लगे मठा लगे मठा लगे रे मठा लगे मठा लगे रे उदय रत्न सागर जी मुके मठा लगे रे उदय रत्न सागर जी मुके मठा लगे और वाला लगे वाला लगे वाला लगे रे गाइए वाला लगे सबके सबके चहिते गुरुदेव मेरे जीवन पर भी अत्यंत उपकार मुझे साधना से जोड़ने वाले हर चीज से जोड़ने वाले और पूरे इस संघ को आगे ले जाने वाले ऐसे हम सभी के गुण वल्लभ सागर जी महाराज इसलिए क्या कहेंगे वाला लगे वाला लगे वाला लगे रे गाइए वाला लगे वाला लगे वाला लगे रे गुण वल्लभ सागर जी मुके वाला लगे रे गुण वल्लभ सागर जी मुके वाला लगे रे जय जय गुरुदेव आइए गुरुदेव की वाणी खूब सरस पूज्य श्री आपने एक सरस मजाने कीधु अपना गुरुदेव खरेखर आप एमने 4 महीना पूर्व सांभरशो ने साहेब अमारा हृदय की अंदर अहीं जवानिया बैठा है अहीं पण अहीं घणा बधा जवानिया आव्या छे यंगस्टर्स आव्या छे आप एक वक्त छे ने फक्त एक दिवस बे दिवस 4 दिवस छे ने गुणवल्लभ मारा साहेब ने आपजो હૃદયના અને હાથના પગના રૂવાટા ન ઊભા થઈ જાય ને તો તમે કહેજો એટલા સરળ મહાત્મા ઉદયરત્ન સાગરજી મહારાજમાં એટલા સરળ એટલા પ્રેમથી અત્યારે પણ પાટની ઉપર બેઠા હોય ને તો એક સરસ મજાનો હસમુખો ચહેરો જે આપણને આપણા ધર્મની સમજણ આપતો હોય આપણને આપણા ગ્રંથોની આપણને આપણા આગમોની સમજણ આપતો હોય એવો સરસ મજાનો ગ્રંથ દરમિયાન અને આ આપણી વચ્ચે 4 મહિના જ્યારે પીરસશે ત્યારે આપણા વચ્ચે એક પણ વ્યક્તિ અહીં એવો ન હોય કે આ પ્રવચનમાળાની અંદર આવવાનું બાકી રહી જતું હોય તો ખાસ લક્ષ્ય રાખી અને આ પધારજો ઉદયરત્ન સાગરજી મહારાજ સાહેબે પૂજ્યશ્રી અત્યારે બધી જ વસ્તુ કહી બે પ્રવચન આપણે સાંભળ્યા અહીંયાથી કેટલું અઘરું તપ કહેવાય કેટલું અઘરું તપ કહેવાય કે 6.5 મહિના દરમિયાન નિવિ ઉપવાસ એમ્બિલ
ઘણી બધી વાતો અત્યારે પૂજ્યશ્રી આપણી સમક્ષ કરી, એવા આપણા ગુરુદેવને આપણે નજીકથી જ્યારે જોવું હોય ત્યારે એમના એક ગુરુભક્ત દેવાંગભાઈ અને શું નામ કેવલભાઈ, દેવાંગ અને કેવલભાઈ એક સરસ મજાની ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ તૈયાર કરીને આવ્યા છે, એક ડોક્યુમેન્ટરી પિક્ચર તૈયાર કરીને આવ્યા છે કે આપણા વચ્ચે ખરેખર ભોગીલાલભાઈ અને પ્રકાશભાઈ એટલું જબરદસ્ત પ્રકારનું પુણ્ય આજે એટલું જબરદસ્ત પ્રકારનું પુણ્ય હું નજીકથી જાણું છું. આ પુણ્ય તમારી પાસે કેવી રીતે મળ્યું છે? દક્ષિણ મુંબઈ અચલગઢ જૈન સંઘ અમારી પાસે ગુરુદેવ પરેલ મુકામે હતા અમારી પાસે ગુરુદેવ, ત્યારે પરેલની વચ્ચે પરેલમાં પણ અમારું હજી પુણ્ય ઓછું પડ્યું પ્રકાશભાઈ, કે આ ચાતુર્માસ તમે દક્ષિણ મુંબઈ અચલગચ્છ જૈન સંઘ મધ્ય આજે નક્કી થવા છે. ખૂબ જ પરમ પુણ્યોદય આપણને આ લાભ મળ્યો છે. એક પણ વ્યક્તિ આ લાભ 4 મહિના દરમિયાન ન ચૂકે એનું ખાસ લક્ષ્ય રાખી, અને અત્યારે આપણે ઉદય રત્ન મહારાજ સાહેબના પ્રસંગે અહીંયા પધાર્યા છીએ પારણા પ્રસંગે, તો એક સરસ મજાની એમની એક ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ આપણે અહીં જોશું એમના જીવનચરિત્ર ઉપર, એમના આત્મોત્થાન ઉપર, અને જે આત્માનું જે ઉદ્ધાર એમણે કર્યું છે એવી સરસ મજાની ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ આજે આપણે અહીંયા નિહાળીએ. ભવ્ય ભૂમિ ભારત દેશ, ગુજરાત પ્રદેશ, કચ્છ કી ધરતી, માંડવી તાલુકા કા મેરાઉ ગાંવ. મેરાઉ કા યે નિવાસી પરિવાર મુંબઈ આકર કે બસા, માતુશ્રી સાકરબેન, પિતા દામજીભાઈ, ગંગર ગોત્ર કા અંદર એક કુલદીપક કા જન્મ હુઆ, વડાલા કી અંદર જન્મ હુઆ, નામકરણ ઉમેશ હુઆ, ઓર યે બાલક ઉમેશ કુમાર અપને માતા પિતા વડીલ બંધુ કે સાથ મેં થાના રહેને કે લિયે આયે, થાના કો કર્મભૂમિ બનાઈ, સ્કૂલ કા શિક્ષા થાના કે અંદર, એક સાલ કે લિયે ગુજરાત કે બોર્ડી વિસ્તાર કે અંદર આયે હુએ છાત્રાલય યાની બોર્ડી કી બોર્ડિંગ કી અંદર એક સાલ રહેને કા અવસર આયા. 10 સાલ કી છોટી સી ઉમ્ર મેં રાષ્ટ્રસંત શાસન સમ્રાટ પૂજ્યપાદ અચલગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત ગુણસાગર સુરી મહારાજા કે સર્વપ્રથમ દર્શન હુએ, ઓર પહેલે દર્શન કે અંદર ઇસ બાલક ઉમેશ કુમાર કો ગુરુદેવ ભા ગયે, ઉમેશ કુમાર કે મન કે અંદર ગુરુદેવ છા ગયે. બસ ઉસી ઘડી સે સંકલ્પ હુઆ કે રહેના તો ઇનકે સાથ રહેના, જીના તો ઇનકે સાથ જીના, ઇનકી આજ્ઞા મેં રહેના, ઓર યે દીક્ષા કા બીજ કા વાવેતર ઉસ છોટી સી ઉમ્ર મેં ઇસ ઉમેશ કુમાર કે હૃદય મેં હુઆ. કાલક્રમ સે ઇનકે વડીલ ભાઈ બડે ભાઈ સુરેશ કુમારને કચ્છ મેં જાકર કે ગુરુદેવ ગુણસાગર શ્રી મહારાજા કે પાસે દીક્ષા અંગીકાર કી. દીક્ષા હોને કે પશ્ચાત ભાઈ કે ભાઈ મહારાજ કે દર્શન વંદન કરને કે લિયે અવસર અવસર પર જાના હુઆ, ઓર વૈરાગ્ય ઓર તીવ્ર બનતે ગયા, વૈરાગ્ય ઓર આગે ચલતે ગયા, ઓર આગે બઢતે ગયા. કહા ગયા હૈ ના સાધનમ દર્શનમ પુણ્યમ, ગુરુ કા દર્શન ભી પુણ્ય કા કારણ હૈ, પુણ્ય કા યોગ હોતા હૈ તો હી ગુરુ માજ મિલતા હૈ, પુણ્ય કા યોગ હોતા હૈ તો હી ગુરુ કે પાસ જાને કા ભાવ જગતા હૈ, ઓર પુણ્ય કા યોગ હોતા હૈ તો હી ગુરુ કી સેવા કરને કા અવસર મિલતા હૈ. યહાં 15 સાલ કી લઘુ વય કે અંદર ગુરુદેવ કી અસીમ કૃપા હુઈ ઇસ ઉમેશ કુમાર કે ઉપર, ઓર 15 સાલ કી ઉમ્ર મેં જિસકો કિશોર અવસ્થા યાની ટીન એજ કહેતે હૈં, ઉસ ઉમ્ર કે અંદર શાસન સમ્રાટ ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ ગુણસાગર શ્રી મહારાજા કે વરદ હાથો સે સંયમ રૂપી રજોહરણ કી સંપત્તિ થાણા તીર્થ મેં પ્રાપ્ત હુઈ. થાણા કર્મભૂમિ ભી બની, થાણા દીક્ષાભૂમિ ભી બની, ગુરુકુલવાસ શરૂ હુઆ, ગુરુદેવ ને વિહાર કિયા, વિહાર કરતે કરતે ચિચપોકલી વાડી કે અંદર પધારે, ઓર ચિચપોકલી શ્રી કચ્છી વિશા ઓશવાર સ્થાનકવાસી માજનવાડી કે અંદર
गुरुदेव की बड़ी दीक्षा संपन्न हुई। प्रथम चतुर्मास 15 साल के ये बाल मुनिराज अपने गुरुदेव के साथ गच्छाधिपति के साथ जिंदगी की संयम यात्रा का प्रथम पड़ाव पहला चौमासा माटुंगा नगर के अंदर किया और माटुंगा से श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ परमात्मा के भक्ति से ये संयम जीवन आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। शुरुआत से ही ज्ञान की लगनी, शुरुआत से गुरु सेवा की लगनी, शुरुआत से ध्यान की लगनी और गुरुदेव स्वाध्याय योग के अंदर उतरते गए उतरते गए उतरते गए। हर रोज के 14-14 घंटे शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, शास्त्रों का वंचन, गाथा कंठस्थकरण और ऐसी ज्ञान योग की अभूतपूर्व साधना प्रारंभिक संयम जीवन के वर्षों के अंदर खूब हुई। हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है कि जिन शासन के अंदर अद्भुत एक ऐसा अचल गज के इतिहास में स्वर्ण पृष्ठ समान मुंबई लालबाग से शिखर जी तीर्थ का छरी पालता संघ निकला था 1500 यात्रिकों का और उस संघ में गच्छाधिपति गुरुदेव के साथ परम पूज्य मुनिराज श्री उदय रत्न सागर जी महाराजा भी थे। समय शिखर पहुंचे, तीर्थ यात्रा करते करते भाव जगा, मुझे शिखर जी की नवाणु करनी है और कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अचल गज के चतुरिक संघ के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के अंदर समित शिखर महातीर्थ की 108 बार यात्रा संपन्न करने वाले उदय रत्न सागर जी महाराजा सर्वप्रथम जैन मुनि बने। शत्रुंजय महातीर्थ का चतुर्मास पालीटाणा की वो धरती पर गुरुदेव ने मासक श्रमण तप किया। शत्रुंजय के अवतार समान शाहपुर मानस मंदिर तीर्थ के चतुर्मास में गुरुदेव ने एक महीने के दृष्टि मौन साधना की। देवलाली चतुर्मास के दौरान अनेक विध साधनाएं की, डूंगरों पर, पर्वतों में, गुफाओं में, जंगलों में खूब मंत्र की साधना, खूब ध्यान की साधना, मेडिटेशन की साधना करते करते गुरुदेव को एक ही लगनी है, बस आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, मेरे आत्मा की मैं पहचान कर लूं, मेरे आत्मा का मैं कल्याण कर लूं। बस यही भावना से साधना मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते गुरुदेव ध्यान योगी बने, आगे जाकर के साधना के सम्राट बने, खुद का कल्याण कर रहे हैं, खुद के सानिध्य में आने वाले भक्तों का अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी आभा के माध्यम से, अपने प्रभाव के माध्यम से जीवन की आधि व्याधि उपाधियां सब गुरु शरण में दूर हो जाती हैं। सब धरती कागज करूं और कलम करूं वनराई, सब सागर स्याही करूं गुरु गुण लिखाने जाई। पुण्यशालियों, परम पूज्य गुरुदेव उदय रत्न सागर जी महाराजा ने अपने जीवन के अंदर आगम ग्रंथ श्री महानिषेध सूत्र के 52 दिन के जब योगोद्वन किए थे ना, तब 52 दिन आइम्बिल की तपस्या तो थी ही, लेकिन आइम्बिल भी कैसा, सिर्फ दो द्रव्य का। वो दो द्रव्य भी कौन से, सिर्फ रोटी और कड़ू करियाता। कड़ू करियाता पात्रा में लेके आना, उसमें रोटी डाल के भिगो देना, बस 2 मिनट के अंदर वो भीगी हुई रोटी वाला कड़ू करियाता का पानी पी करके 3-4 मिनट में तो आइम्बिल करके उठ जाना। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5-10 दिन नहीं, 15-25 दिन नहीं, 52 दिन तक रोटी और कड़ू करियाता के आइम्बिल से जिन्होंने कठिनतम तपस्याएं अपने जीवन में संपन्न की, ऐसे उपकारी गुरुदेव के वासक्षेप के अंदर भी, उनके आशीर्वाद के अंदर भी वो पावर है, वो चमत्कार है, वो कृपा है कि जिससे तन की, मन की और जीवन की व्याधियां दूर हो जाती हैं, उपाधियां दूर हो जाती है। आज तक गुरुदेव ने समस्त भारत भर के करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने वासक्षेप के माध्यम से
ऑपरेशनों से बचा दिया, मेडिकल की बड़ी ट्रीटमेंटों से बचा दिया और कैंसर जैसी व्याधि और बीमारियों से बचा दिया और लाखों लोगों के दुआओं में जो निमित्त बन चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने शाता पहुंचाई है। एक बात तो समझ लेना, शाता दोगे तो शाता पाओगे, ये गुरुदेव का जीवन मंत्र हम सबको भी अपनाने जैसा है। गुरुदेव जब राजस्थान की धरती पर विचर रहे थे उस समय राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ी गांव के पास में आई हुई अजारी तीर्थ यानी सरस्वती माता का बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी तीर्थ, उस तीर्थ में गुरुदेव ने माँ भगवती सरस्वती की साधना की, आराधना की, उपासना की, सरस्वती माता का साक्षात्कार पाया और मान लो वही सरस्वती गुरुदेव के कंठ में आकर के निवास करने लगी। गुरुदेव मधुर कंठी बने, पूज्य श्री के द्वारा गाए हुए 700 से ज़्यादा स्तवन आज यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध हैं। पूज्य श्री को भक्ति के अंदर झूमते हुए देखना, स्तवन गाते हुए सुनना, ये भी अपने जीवन का एक अनमोल लहवा है। मधुर कंठ के स्वामी, भक्ति के अंदर निमग्न रहने वाले ऐसे गुरुदेव को आज इस अवसर पर आइए हम सब भी वंदन करें। पुण्यशालियों, हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि जिन्होंने अपने इस संयम जीवन को जीते 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 बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी मस्ती के साथ में वड़ील बंधु गुरुदेव सर्वोदय सागर जी महाराजा की छत्र छाया में रह करके स्व का कल्याण, समाज का कल्याण, सबका कल्याण इस भाव से आगे बढ़ते हुए और गुरुदेव को वर्तमान अचल गिच्छाधिपति आचार्य भगवान कलाप्रभ सागर श्री महाराजा ने घणी पद प्रदान किया। मुंबई घोरेगांव के अंदर पूज्यपाद गुरुदेव श्री की घणी पदवी हुई। भगवती सूत्र पांचवा आगम जिसको कहा जाता है, ऐसे भगवती सूत्र नाम के महान आगम के 186 दिन के योगोध्वान की कठिन साधना गुरुदेव की परिपूर्ण हुई और गुरुदेव विधिवत रूप से पदारूढ़ बने हैं। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, परम उपकारी, संघ का, समाज का कल्याण करने के अप्रतिम भावना वाले या और शक्ति वाले, प्रतिभा संपन्न, प्रभाव संपन्न, प्रताप संपन्न, परम पूज्य, परम उपकारी, जैन अजैन सभी के प्यारे, सबसे न्यारे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरुदेव उदय रत्न सागर जी महाराजा को आज के इस मंगलमय अवसर पर आओ हम सब मिल करके वंदन करें, प्रणाम करें, उनको नमन करें, उनका आशीष लेकर के, उनकी सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनावे, मंगल बनावे, ये मंगल भावना, शुभकामना बोलिए साधना सम्राट परम पूज्य गुरुदेव घणी वर्य श्री उदय रत्न सागर जी महाराजा साहेब की जय। खूब खूब ताड़ियों साथे वधारजो देवांग भाई अने केवल भाई ने एक सरस मजानी आपणा गुरुदेवनी जेमणे कदाच अहीं बैठेला ने अमुक जणने खबर हशे के समेत शिखरजी यात्रानी अंदर पण आपणा गुरुदेव, आपणा अचल गच्छना गुरुदेव एवा उदयरत्न सागरजी महाराजाए 108 यात्रा करना सौ प्रथम साधु भगवंत बन्या एवा आपणने गौरव अनुभवा जेवू छे કે ખરેખર આપણા ગુરુદેવ એવા આપણને અહીં મળ્યા છે તો આવા ગુરુદેવને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ વંદના સાથે આપણે ખૂબ જ આપણે એ વંદના સાથે આ સરસમય ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ તૈયાર કરનાર દેવાંગભાઈ અને કેવલભાઈ આપ પણ અહીંયા આગળ પધારજો જેમણે આપણા ગુરુદેવની ઓળખ કદાચ જૂની ઓળખ અહીં લગભગ કોઈને નહીં ખબર હોય એવી સરસ મજાની જૂની ઓળખ પણ આપણે આ દેવાંગભાઈ અને કેવલભાઈએ કરાવી છે તો આપ પણ પધારજો પૂજ્યશ્રીના વાસકશેપ લેશું આપણે પધારો કેવલભાઈ અને દેવાંગભાઈ હાલો 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 કેવલભાઈના વડીલ અહીંયા પધાર્યા છે પધારો गुरु राख मन तार करी तू गौतम सम लागिम
ये गुरुदेव हमें कैसे लगते हैं, ऐसे अनंत धन गुरु गौतम स्वामी जैसे, बस उसी बात को ध्यान रखते हुए दो कड़ी गुरुदेव के लिए। गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने, गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने, गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने, गुरु राख मन तारे करे तू गौतम सम लागे मने। देवान भाई ओ अहीं बैठेला दरेक महानुभावों ने विनंती, दरेक भाइयों बहनों ने विनंती, वड़ील बे मिनट बहुमान माटे दक्षिण मुंबई संघना दृष्टिओ आगळ पधारजो। देवांग भाई अने केवल भाई नुं बहुमान अहीं करवामां आवी रह्युं छे अने दरेक अहीं बैठेलाने नम्र विनंती छे कि आपणे एक सरस मजा ताळीओना गड़गड़ाट साथे आपणे आ बंने ज भाइयों ने अभिवादन करिए, बने हाथ ऊपर करीने पुण्यशाली। अनुमोदना 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 बारंबार, ऐसे पुण्यशाली की अनुमोदना बारंबार, बोलो थैंक यू वेरी मच, उपकार किया जिसने जिसने उन्हें थैंक यू वेरी मच। देवांग भाई अने केवल भाई नू बहुमान माटे भरतचंद भाई दादर भोगीलाल भाई ब्रिज कैंडी आगळ पधारजो अने आपणा गुरुदेवनी ओळख करावनार एवा देवांग भाई अने केवल भाई नू आपणे बधा ताळीओना गड़गड़ाट साथे आपणे अभिवादन करशुं। श्री अखिल भारत अचल गज विधिपक्ष जैन संघ के प्रमुख श्री रतनलालजी वडेरा आप आगळ पधारो, ऊपर पधारे। श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन महाजन के चेयरमैन श्री हरकचंद भाई गंगर आप भी आगे पधारे, और श्री अखिल राजस्थान अचलगढ़ जैन संघ के अध्यक्ष जी श्री जबरमल जी आप भी आगे पधारे, श्री राजस्थान अचलगढ़ जैन संघ मुंबई के अध्यक्ष जी बाबूलाल जी आप भी आगे पधारे, पीयूष भाई आप भी आगे पधारे, पीयूष भाई पधारो, बिपिन भाई नवनीत परिवार आप आगे पधारजो। और आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो मुख्य लाभार्थी हैं, जो दाता परिवार हैं, जिसके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, एक बात कह दूंगा, कैसे श्रावकों की भक्ति है, प्रेरणा नहीं करनी पड़ी कि लाभ ले ओ के लेने जैसा है वगैरह। एक महीना पहले जब दीक्षा तिथि का मेरा कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के अंदर वो इंदिराबेन आए थे, और इंदिराबेन ने उसी समय बात की के साहेब जी के गुरुदेव का पाड़ना अगले महीने आ रहा है, बे केंके ना आखो लाभ मुकेट डीजा, अने सक्कम गुरुदेव का पाड़ना मेरे हाथों से होवे। वे बहुत बरसों से जुड़े हुए गुरु भक्त परिवार हैं, आज के संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। ट्रेन के अंदर एक चेन रहती है, चेन कौन सी चेन रहती है, इमरजेंसी चेन, गुजराती में कहवा संकट समय नी साकड़। कई बार ऐसा हुआ और कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं तो कई बार इमरजेंसी के अंदर किसी को कुछ बोलना रहे या किसी को कुछ लाभ देना रहे तो हम बिना पूछे, ऐसे हमारे पास बहुत परिवार है जिन्होंने हमको ब्लैंक चेक दे दिया है। कौन सा चेक, खाली चेक, साहब कभी भी किसी का नाम रहे नहीं रहे, हमारा नाम तो लिख देना, और पूछने की भी जरूरत नहीं रहे कि 5 लाख का लाभ है कि 10 लाख का है कि क्या, कि साहब केडा हलाए जाए इतना चेल आए जा लाभ असा के डीजा। ऐसे बहुत सारे गुरुदेव के भक्त परिवार हैं ब्लैंक चेक वाले, उसमें एक परिवार ये आज के लाभार्थी परिवार भी है कि जब भी बोलेगा तो ये परिवार हाजिर रहता है। श्रीमती इंदिराबेन नेमचंद भाई शालिया परिवार आगे पधारना, गाम कच्छ नानी खाकर हाले मलाड वालों के लिए जोरदार अनुमोदना करेंगे, आगे पधारे, आगे पधारी पुण्यशाली। आइए श्रीमान आपका स्वागत है, आइए श्रीमान आपका स्वागत है, आइए लाभार्थी आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए श्रीमान आपका स्वागत है।
अनुमोदना अनुमोद। पुण्यशाली अनुमोदना का मतलब क्या? अगर अनुमोदना करेंगे तो जीवन में परमात्मा ऐसी शक्ति देंगे कि हम भी ऐसा लाभ ले सके। दोनों हाथ ऊपर करके अनुमोदना 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 बारंबार, लाभार्थी परिवार की अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, लाभार्थी परिवार की अनुमोदना बारंबार। इंदिराबेन नेमचंद सालिया परिवार, खरेखर आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जोयु के जेमणे कड़ू कड़िया तो अने रोटली थी आंबील तप अने जो पूर्वजना जोग कर्या 50-50 दिवस सुधी, एवा पूज्यश्री ने आजे खरेखर अँ लाभार्थी परिवार अँ बहु पुण्य पर भागी आयो के जो को एड़ा महात्मा जो को आंबील जी अंदर पर कड़ू कड़े तो रोटली वापरी दावे ना एड़े गुरु महात्मा जो आज पानू करे जो लाभ इन लाभार्थी के मल्यो है। खूब खूब अनुमोदना करी आ परिवार नी अने दरेक दरेक महानुभाव अँ जे अतिथि विशेष पधार्या छे एमने पण विनंती पूज्यश्रीना आशीर्वाद लेशो अने देवांग भाई अने केवल भाई नू आपणे बहुमान करिए पधारो। अखिल भारत विधि पक्ष अचल कच्छ जैन संघना अध्यक्ष रतनलालजी वडेरा साहेब, कविओ निरावासी जैन महाजनना चेरमेन श्री हरकचंद भाई पधारजो, गुरुदेवना आशीर्वाद लई अने आपणे देवांग भाई नू बहुमान करशू केवल भाई नू अने आजे आपणा आ प्रसंगना लाभार्थी इंदिराबेन नेमचंद सालिया गाम नानी खाकर हाले मलाडू पण आपणे अहींथी अनुमोदना करशू। जय हो जोरदार अनुमोदना पुण्यशाली। गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम मने, गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने, की तो माँ जे खूब गवाया शास्त्रो माँ जे खूब छवाया, वीर प्रभु महावीर प्रभु नो आजे आ गौतम कहवाया, गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने, गुरु राख मन तार करे तू गौतम सम लागे मने। खरेखर आज आ लाभार्थी परिवार ने जोई ने आपना हृदय में एक ज मन थाय, आपणे सारू कर्म करिए सारू काम करिए ने तो धर्म कहवाय, आपणे सारू कर्म सारू काम करिए तो धर्म कहवाय, पण ए धर्म ने शिखाड़वानी जे ताकत छे ए धर्म ग्रंथ में छे अने आ भगवती सूत्र जारे आजे परिपूर्ण कर्यु होय त्यारे आ धर्म ग्रंथनो पाणानो लाभ, धर्म ग्रंथ जे सूत्र छे ए सूत्र वाँचवानो जे अधिकार आपणे जे जोग द्वारा गुरुदेव ने मळ्यो छे ए गुरुदेवनो जोग आजे आ परिवार द्वारा पाणानो लाभ लेवायो छे। दरेकना તાળીઓ સાથે ફરી એકવાર આપણે એમને વધુ મોદના કરીને બધામણા આપીએ। જય હો। આઈએ પુણ્યશાળી हेलो हेलो। जितने भी यहाँ पर हमारे श्रावक यहाँ पर खड़े हैं सभी को नाच कर गुरु भक्ति करनी और क्या कहेंगे लाभार्थी परिवार की अनुमोदना के साथ। अरे मैं तो सजाऊं घर आंगनिया, मैं तो सजाऊं घर आंगनिया,
प्यारा गुरु जी आया पावनिया, मैं तो सजाऊं घर आंगनिया। प्यारा गुरु जी आया पावनिया, गुरुदेव 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 गुरुदेव। अरे मैं तो सजाऊं घर आंगनिया, मैं तो सजाऊं घर आंगनिया। प्यारा गुरु जी आया पावनिया, अरे मैं तो सजाऊं घर आंगनिया। प्यारा ओ अमृतलाल जी, पुखराज जी सा आगे पधारो, आगे पधारो स्टेज पर। हाँ मोहनलाल जी आगे पधारो सा, अमृतलाल जी आगे पधारो, मोहनलाल जी आगे पधारो सा। वाह रे वाह, अरे राम जी की आपको देख के याद आ जाता है, राम जी की गोल की याद आपको देख के आ जाती है। आइए पधारिए, आर्य गौण गुरु कृपा। अरे अमृतलाल जी सा आप रे वास्ते खास, गुरु सा खम्मा घड़ी मारवाड़ी चढ़ावानी शुरुआत करिए छे। 27,027 रुपया, 27,027 रुपया, 51,151 આગળ થી 51 પાછળ થી લાભ આપવામાં આવશે। અત્યારે આપણા પ્રસંગને દીપાવવા માટે, આપણા પ્રસંગને દીપાવવા માટે बनावे कारण
વાળો બડી પ્રસિદ્ધ થશે જેટલા પુણ્યશાળી આવ્યા છો બધાને લાભ મળશે હવે બધા લાઈન થી આવશો ભાષા ક્ષેત્ર જો આશીર્વાદ લેજો અને પછી સેન્ટર નાના જય કે આનંદ કી જય સેન્ટર નાના જય સાહેબ ભૂમિએ સાહેબ સાહેબ ઓર દૂસરી સાઈડ સે જાયગે વાળા સાહેબ આશા સેન્ટર કે સભી બંધુ એક સાઈડ સે પધારો બધા સાધુ સાધુ ભગવાન ની ગોચરી કરતે એવું છે સર્વપ્રથમ નવાજી પરિવાર પછી બધા બધા જોડાશે મોરી સુરત સ્વામી નો જિનાલય અહીં સેન્ટર પ્લાઝા મધ્ય ગુરુ જિનાલય ઉભું કરાયું છે જેમનો પ્રવેશ 12 તારીખે થશે ભગવતી ભવે વરઘોડા બાદ પ્રવેશ 11 તારીખે અને 12 તારીખે મોરી સુરત સ્વામી નો પ્રવેશ થશે તો સર્વેને સમયસર દરેક પ્રસંગ ની અંદર પધારવા માટે નિવેદન નમ્ર વિનંતી યસ ભાઈ લાઈન છે સભી ગુરુદેવ છે આપણે લાઈન છે પટેલ ખાસ ધ્યાન રાખજો एडी सखी मंगल गावोनी धरती अंबर सजावोनी एडी सखी मंगल गावोनी धरती अंबर सजावोनी आज गुरु जी पधारी जब से गुरुजी तेरा दीदार हुआ है जब से गुरुजी तेरा दीदार हुआ है निवेदन है बार बार गुरुदेव पर कोई भी स्पर्श ना करे उदय रत्न सागर जी महाराज के चरण को कोई भी स्पर्श ना करे गुरु से हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे खास निवेदन है आहा आइए वो गुरु साहब का फरमाइश सभी का नाश है गुरुदेव की भक्ति अंत में सभी पांच विजय भाई सभी पांच गुरु साहब Thank you.
चलो अपने अबे सर्वमंगल कर भारत के चल સર્વમંગલ થઈ ગયું છે. બધા દરેક મહાનુભાવો ને સાધન ભક્તિ લાભ આપવા માટે ખાસ આગળ વિનંતી. ચલો ઉનકા અભી વિમોચન હોને જા રહા હૈ. બોલો બોલો શ્રી મુનિશ્વર સ્વામી ભગવાન કી જય. જલ્દી સે હા